जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस वक्त मैं हूँ नंदगांव, और जो हमारी यात्रा चल रही है मंथरा वृंदावन वाली, उस यात्रा का आज हमारा तीसरा दिन है। और आज मैं नंदगांव है और सुबह 1:08 बजे। तो आज की शुरुआत हम नंदगांव जिस मंदिर में आज मैं खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हो, यही वो मंदिर है, या फिर आप वो आंगन कह सकते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का खेले हैं। करीबन 2 वर्ष की अंदर चलते हैं। पहले सबसे पहले एज थी जब वो नंदगांव आए थे, नंद बाबा लेके उनको, और उसके बाद में करीबन 10 से 11 साल उन्होंने इसी घर के अंदर बिताया है। और ये एक तरह का घर है, ये इसमें आज मंदिर बना दिया। पहले ये एक घर था, ये परिक्रमा लगाते लगाते हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये घर नहीं है बल्कि एक पूरा आंगन था, जिस टाइम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे। ये जो मैं आज जिस पर्वत पे ये बना हुआ है, पहाड़ पे ये मंदिर, इसे नंदेश्वर पर्वत बोला जाता है। इसके पीछे ये कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण को कंस को पता लग गया कि वो उसको मारने वाला है, तो उन्होंने बैक टू बैक एक से एक राक्षस शक्तियाँ भेजी। और ऐसा कहा जाता है कि वो राक्षस जब उन्होंने भेजे तो नंद बाबा परेशान हो गए। और इस पर्वत पर एक ऋषि रहते थे, उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया हुआ था कि इस पर्वत पर कोई भी राक्षस या नेगेटिविटी एनर्जी जो भी आएगी वो पत्थर की बन जाएगी। तब वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा यहाँ आ गए इस पर्वत के ऊपर, और यहीं पे उन्होंने अपना रैन बसेरा बना लिया। तो मेरे पीछे खैर आप देख सकते हो, हम ऊपर की साइड ले चलेंगे आपको, लेकिन यहाँ से पूरा नंदगांव है। इस प्रकार कुछ बसाया, पहले तो पूरा पहाड़ी के ऊपर ऊपर था, लेकिन अब तो नीचे भी बसावट हो चुकी है। उस टाइम ये जो गांव था फिर ऊपर ऊपर था, अब रेबिज की बसावट काफ़ी फैल गई है जैसे जैसे पब्लिक बढ़ गई। और यहाँ पे कहा जाता है कि नंदलेश्वर महाराज शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, वो भी साक्षात यहाँ शिव जी रहते हैं, वो हमें दर्शन कराते हैं आपको, वहाँ पे उधर की साइड है। ये जो मंदिर है ये तो खैर अभी कुछ सालों में इनका निर्माण करवाया है, जो कि वाइट संगमरमर के पत्थर से यूज किए गए इसके अंदर, ये आप देख सकते हो पूरे के पूरे मंदिर के अंदर। और ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है उसमें भी वाइट वाला ही यूज किया गया है। यह है नंदलेश्वर महाराज शिव जी का मंदिर, कहा जाता है कि भगवान शिव जी पर्वत के रूप में यहाँ साक्षात विराजमान है, और इनकी दर्शन बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ आते हो तो। और यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं, ये उस टाइम घर हुआ करता था, रिवनेट कर दिया गया है। खैर आगे है मेन जो घर है, आगे ले चलेंगे आपको। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब तो खैर लोग दूर दूर तक बस गए हैं, लेकिन ये पहले पूरा पहाड़ पे बसा हुआ पूरा गांव था, अभी इन्होंने अपने हिसाब से आबादी बढ़ गई है। आगे ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं नंदेश्वर महाराज के दर्शन करके जैसे आप आओगे, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और आप ऊपर आ सकते हो। ये यहाँ से मंदिर का पूरा ऊपर से नज़ारा देख सकते हो।
तो अभी हम चलते हैं, एक महादेव जी का मंदिर है आशाश्रय महादेव, और उनका जाता है कि वहाँ शिवलिंग ऑटोमेटिक प्रकट हुई है नीचे से। वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, ये एपिसोड हमारा यहीं तक था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं अगले एपिसोड में।